आज मैं बना रही हूँ मटन चाप भुना मसाला की रेसिपी। ये बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई द किचन। रेसिपी को शुरू करते हैं। मटन चाप के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल को पहले हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और तेल हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज की प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्की सी सुनहरी होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 400 ग्राम मटन चाप। इनको मैंने साफ धो लिया है। मटन चाप को डालकर इसमें हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो मटन का कच्चापन है वो निकल जाए। मटन को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और पेस्ट को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी थोड़ा सा निकल जाए। पेस्ट थोड़ा सा भून चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। इसको भी हल्का सा मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 4 इलायची जिसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। इसको डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और मटन चाप बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी ले सकते हैं, लेकिन दूध में अगर आप मटन चाप को पकाकर गलाएंगे तो ये बहुत ही मुलायम और जायकेदार बनकर तैयार होंगे। दूध को डालकर इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम प्रेशर कुकर बंद करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 4 सीटी लगाएंगे। उसके बाद हम मटन चाप को खोलकर चेक करेंगे। 4 सीटी आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और प्रेशर कुकर को मैंने 5 से 7 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था ताकि मटन में अगर थोड़ा सा कच्चापन हो तो वो भी निकल जाए। अब प्रेशर कुकर को खोल लेंगे, मटन के पीस को चाकू से काट कर चेक कर लेंगे कि गला है या नहीं। तो देखिए यहाँ मटन अच्छे से गल चुका है। अगर आपको लगे कि 4 सीटी में मटन नहीं गला है तो आप इसको 1 से 2 सीटी लगाकर और गला सकते हैं, लेकिन सीटी लगाने से पहले आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें तब आप इसमें सीटी लगाएं, नहीं तो बिना पानी डाले मसाले जल सकते हैं। अब दोबारा से यहाँ पर हम गैस ऑन करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 10 से 12 किशमिश। किशमिश डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें डालेंगे 5 बादाम और 6 से 7 काजू का पाउडर। इसको मैंने मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पीस लिया है और साथ साथ इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही। दही को डालकर इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल अच्छे से अलग ना हो जाए। तो देखिए मसाले यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं और कितना जबरदस्त कलर इनका निकल कर आया है। आप चाहें तो इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हल्का सा ग्रेवी भी कर सकते हैं, लेकिन मटन मसाला चाप थोड़े से भुने भुने बनाए जाते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। और पानी डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि पानी का कच्चापन निकल जाए। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको डालकर हल्का सा मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। तो लीजिए मटन मसाला चाप बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।